दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तोबूत। ये मनोज कॉमिक वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। दो भूत। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही भयानक और घने जंगल में दो मोटे मोटे वृक्षों पर दो बड़े बड़े भूत रहा करते थे। उनमें एक था धन का भूत और दूसरा था भाग्य का भूत। दोनों भूत साथ साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। सिवाय भोजन और पानी के उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती थी। जो भी शिकार उन्हें मिलता वे मिल बांट कर खा लेते। और जंगल में स्थित एक झरने का पानी पीकर आनंद पूर्वक जंगल में विचरते। इस तरह उन दोनों के दिन आनंद पूर्वक बीत रहे थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने खाने के लिए एक पशु का शिकार किया। लो भाई, हमेशा की तरह आधा तुम्हारा और आधा मेरा। ठीक है भाई, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर कहो धन भाई। भला हम दोनों में एक दूसरे से अपने सुख दुख की नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? सुनो भाई, बहुत दिनों से यह होता आ रहा है कि प्रत्येक शिकार का तुम आधा हिस्सा ले लेते हो, जबकि मुझे तुमसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। अतः भविष्य में यह बात ध्यान रखना। धन के भूत की बात सुन भाग्य भूत हंसने लगा, फिर गर्व से बोला, धन भाई मैं भी बहुत दिनों से तुमसे यही कहना चाहता था, लेकिन आज जब तूने बात छेड़ ही दी है तो बता दूं कि बड़े तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। नहीं, यह गलत है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बिना धन के भाग्य कैसा है? जहां मैं हूंगा वहां भाग्य को जख मार कर आना होगा। भाग्य भाई, तुम धन की महिमा अभी नहीं जानते। जिसका साथ भाग्य न दे उसके निकट धन लाख सिर पटकने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाता। धन भाई, अतः तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बड़ा मैं हूं, तुम नहीं। इसलिए भविष्य में कुछ ज्यादा हिस्सा मैं लिया करूंगा। गलत कहते हो तुम भाग्य भाई, बिना मेरे तो तुम इस जंगल में भूखे मर रहे होते। तुम मूर्ख हो, जानते नहीं कि आज तुम मेरे कारण ही आनंद पूर्वक रह रहे हो। यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो इस जंगल में तुम भूखे मर रहे होते। धन का इस जंगल में क्या काम? भाग्य से तुम्हें इतना शिकार इतना भोजन प्राप्त होता है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे अधिक भोजन मिलना चाहिए। तुम कंगाल भाग्य, मेरा अपमान करते हो, जानते नहीं मेरे बिना दुनिया का सारा काम ठप पड़ सकता है। फिर दोनों में बाकायदा बहस छिड़ गई। दोनों में से कोई भी अपने को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों अपने को बड़ा साबित करने के लिए तरह तरह की दलीलें देने लगे और नौबत झगड़े तक आ पहुंची और भोजन दरा का दरा रह गया। जब दोनों में बहुत कहासुनी हो गई और छोटे बड़े का फैसला नहीं हो पाया तो धन का भूत कुछ समझदारी दिखाता हुआ बोला, भाई भाग गए, इस प्रकार झगड़ने से छोटे बड़े का फैसला नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं, कल सुबह दोनों जंगल में चलेंगे। तब सबसे पहले जो व्यक्ति हमारी नजरों के सामने आएगा उसी से हम दोनों आपस में फैसला कर लेंगे कि तुम बड़े या मैं। मुझे स्वीकार है, हम प्रातः ही ऐसा करेंगे। उसके बाद दोनों ने आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की और चुपचाप अपना अपना भोजन करके अपने अपने वर्कशॉप पर जाकर सो गए। अगले दिन भोर होते ही दोनों उठे और जंगल से बाहर निकल आए। जंगल और गांव के बीच एक नदी पड़ती थी। इस नदी को पार करते हम गांव की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। तुम्हें अपनी बात याद है ना? हाँ, अच्छी तरह याद है। जिस व्यक्ति पर सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ेगी फैसला उसी से अपनी अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाकर लेंगे। जैसे उन दोनों ने नदी पार की, उनकी नजर एक तरफ नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठे एक मछियारे पर पड़ी। भाई भाग्य, वायदे के मुताबिक इसी व्यक्ति से हम दोनों का छोटे बड़े होने का फैसला कराना होगा। बोलो, पहले तुम शुरू करोगे अपना काम या मैं शुरू करूं? ठीक है, पहले तुम इस सिद्ध करो कि तुम बड़े हो, तो फिर देखो मेरा कमाल और धन की शक्ति का चमत्कार। धन के भूत ने एक भिखारी का वेश धरा और मछियाई की तरफ चल पड़ा। मैं भी देखता हूं कि बिना भाग्य के यह क्या करता है मूर्ख कहीं का। जल्द ही मूर्ख भाग्य को मेरी शक्ति पर विश्वास आ जाएगा। धन का भूत भिखारी के वेश में मच्छियारे के निकट पहुंचा। मच्छियारे ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर मुंह बिचकाकर पुनः मछली पकड़ने में तल्लीन हो गया। यह भी मूर्ख है, मुझे वास्तव में भिखारी समझ बैठा, लेकिन इसमें इसका क्या कसूर? भला इसे क्या मालूम कि मैं शक्ति का स्रोत धन हूं, जिसे पाने के लिए आज दिन बनिया जग मारता है। खैर अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद जरूर ध्यान देगा। लेकिन जब काफी देर तक मच्छियारे ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह खखारता हुआ बोला,
ए भाई, मैं भूखा हूं। कई दिनों से मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाकर थोड़ा सा भोजन कराओगे? सुबह सुबह एक भिखारी द्वारा भोजन कराने की बात सुनकर मछियारा बुरी तरह झुंझला उठा। ए बाबा, तुम कहीं और जाकर फरियाद करो। मेरे घर में तो खुद कई दिनों से फाके हो रहे हैं। पिदास तो एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा कई दिनों से हो रहा है। समझ में नहीं आता कि मैं अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। तुम्हारे कितने बच्चे हैं भाई, जो तुम एक भिखारी का पेट नहीं भर सकते? मेरे 12 बच्चे हैं, उनका ही पेट नहीं भर पाता, तो तुम्हारा कहाँ से भरूंगा? ना बाबा ना, जाओ किसी और का दरवाजा देखो। कहकर मछियारा फिर अपने जाल की ओर आकर्षित हो गया। भिखारी खामोशी से मछियारी की ओर देखने लगा, जो अब जाल को पानी से खींच रहा था। यदि मछली नहीं फंसी तो जरूर मेरी बात मानेगा, आखिर धन तो मैं ही दूंगा इसे। जब जाल पानी से पूरा बाहर निकल आया तो धन के भूत ने देखा जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। मच्छर का चेहरा भी अधिक उदास हो गया था। हे ईश्वर, इस बार भी कोई मछली जाल में नहीं फंसी। क्या नदी मछलियों से बिल्कुल खाली हो गई है? एक बार फिर चेष्टा कर देखूं, यदि इस बार भी मछली नहीं फंसी तो आज मेरे साथ साथ भी बच्चों को भी भूखा छोड़ना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए मछियारे ने जाल पुनः नदी में फेंका। तब धन का भूत, जो भिखारी के वेश में था, बोला, ए भाई, यदि तुम मुझे खाना खिलाने का वायदा करो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती हीरो का हार दूंगा। उसे बेचकर तुम बहुत सारे रुपया पा सकते हो। फिर तुम्हें बहुत दिनों तक कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मछियारे ने एक बार फिर आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर झुंझलाता हुआ बोला, अरे तो बाबा मेरे प्राण क्यों खा रहे हो? खुद ही उस हार को बेचकर क्यों नहीं अपना पेट भर लेते? आगे सुबह सुबह बेचा चाटने। मच्छर की बात सुन पहले तो धन का भूत शक पकाया, लेकिन फिर अपने वस्त्रों से एक जगमग करता हीरो का कीमती हार निकालकर मच्छर के चेहरे के सामने हिलाता हुआ बोला, शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आया। लो देखो, यह कीमती हीरो का हार। और अब बताओ, इसे लेकर भोजन कराओगे या नहीं? आए मच्छियार ने हार लेकर उसे ध्यान से देखा, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई भिखारी उसे असली हीरो का हार भी दे सकता है। ए बाबा, कहीं तुम इन चमकदार कांच के टुकड़ों को हीरे बतलाकर मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? उफ, कितना मूर्ख है कमबख्त, इसे नकली बता रहा है। परंतु अपने मन की झुंझलाहट को काबू में रखते हुए धन के भूत ने सहज स्वर में कहा, नहीं भाई, विश्वास करो, यह बिल्कुल असली हीरो का हार है। तुमने भोजन नहीं कराना है तो मत कराओ। मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता, अतः मेरी ओर से इसे भेंट स्वरूप कर रख लो। क्यों सुबह सुबह गरीब का उल्लू खींच रहे हो बाबा? क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकता कि एक भिखारी के पास भला हीरो का हार कहाँ से आएगा? फिर वह हार भला किसी को मुफ्त में क्यों देने लगा? अरे यहाँ कहीं तुमने ये हार कहीं से चुराए तो नहीं? बेचारे धन के भूत ने मच्छियारी की बात सुन अपना माथा पीट लिया। लेकिन इससे पहले कि वह मच्छियारे से कुछ कहता, मच्छियारे के जाल को जोरदार झटका लगा और मच्छियारा हार धरती पर पटक प्रसन्नता से चीख उठा, अरे फंसी! उफ, किस मूर्ख से पाला पड़ गया। हीरो को छोड़ साधारण मछली को देख रहा है। जाल बहुत भारी था। पूरी शक्ति से खींचने के बावजूद भी वह मच्छियारे से खींचा नहीं जा रहा था। जरूर इस बार कोई भारी मछली फंसी है। अरे बाबा, जरा जाल खींचने में मेरी मदद करो ना। मच्छियारे ने सहायता के लिए भिखारी की ओर देखा तो उसे भिखारी कहीं नजर नहीं आया। अरे कहाँ गया वह? फिर मच्छियारे ने जैसे तैसे जाल को खींचा और एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसे देख वह खुशी से उछल पड़ा। वाह, कितनी तगड़ी मछली है, ईश्वर ने मेरी आखिर सुन ली। इतनी मोटी मछली को जाल में फंसे देख मच्छियारा हीरो के यार को लगभग भूल ही गया। अभी मछली को देखता हुआ वह खुशी हो रहा था, तभी एक बड़ी सी चील उड़ती हुई वहां आई और उसने जमीन पर पड़े जगमग करते हीरो के हार पर खाने की वस्तु समझ झपट्टा मारा। अर हुस हुस, मछियारे ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चील वह हार लेकर आकाश में उड़ गई। ओह कमबख्त, हीरो का कीमती हार ले गया। हार के चले जाने से मच्छियारे को कुछ क्षणों के लिए दुख तो हुआ, लेकिन फिर उस बड़ी मछली को याद कर वह हार के गम को भूल गया। जरूर वह भिखारी मुझे उस नकली हार से धोखा देकर भोजन प्राप्त करना चाहता था, वरना भागता क्यों? अच्छा हुआ जो वह नकली हार चीर ले गई। अगर मैं उस नकली हार के लालच में पड़कर घर वापस चला जाता तो आज मेरे 20 बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता।
इस मछली को उसने बाजार में लाकर बेच दिया। मछली काफी बड़ी थी इसलिए उसे खूब सारे रुपए प्राप्त हुए। आह कुछ कुछ अब मुझे कुछ दिनों तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मछियारा खुशी खुशी घर लौटा। घर में भी बच्चे भी इतने रुपयों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन उन्हें काफी समय पश्चात भरपेट भोजन मिला। उधर दोनों भूत धन और भाग गए। जंगल में आपस में फिर मिले। दोनों ने मिलकर शिकार किया और आधा आधा बांट लिया। ये लो भाई बराबर का हिस्सा, आज से शिकार में से भी। ठीक है भाई, जब तुम छोटे बड़े का फैसला नहीं हो जाता, आधा आधा ही खाना पड़ेगा। खाने के दौरान धन भूत ग्रह से भाग्य भूत से बोला, भाग्य भाई कल देखना चलकर उस गरीब मछियारे का हाल। भाग्य का बुरा साया उसके ऊपर से हट चुका होगा और लोग उसकी जय जयकार करते हुए उसके कदम चूम रहे होंगे, लेकिन तुम जानते हो कि वह जय जयकार उसकी नहीं बल्कि धन की हो रही थी होगी, अर्थात मेरी। धन की बात सुनकर भाग्य मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, अरे धन भाई इतना घमंड अच्छा नहीं होता। बेचारों को आज मेरे ही कारण भोजन नसीब हुआ है। यदि मैं साथ न देता तो और दिनों की तरह आज भी उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। यही कारण है कि कई दिनों से मेरे साथ न देने के कारण वह तुम्हें एक वक्त का भोजन कराने के लिए भी तैयार नहीं हुआ था। अब कल देखना मेरी वजह से वह तुम्हारा कितना स्वागत करता है। हूँ इसका फैसला कल हो जाएगा कि तुम बड़े या मैं। उसके बाद दोनों खा पी कर अपने अपने वर्कशॉप पर सो गए। अगले दिन सुबह दोनों उठे और जंगल व नदी पार कर फिर दूसरी ओर तट पर जा पहुंचे। मछियारा आज भी नदी में जाल डाले बैठा था। देखो धन भाई, तुम्हारे धन की महिमा तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ दे रही। हाँ मेरी महिमा उसे अवश्य फिर मछली पकड़ने के लिए यहाँ खींच लाई है, वरना उस अमूल्य हार को बेचकर वही समय अपने घर में आनंद लूट रहा होता। विश्वास न्याय हो तो जाकर उससे पूछ लो। हाँ अब तो पूछना ही पड़ेगा, आखिर मेरे दिए हार का उसने क्या किया। इस बार धन के भूत ने गरीब ब्राह्मण का वेश धारण किया और मछियारी की ओर चल पड़ा। अभी भाई का ऊंचा दिमाग अपने ठिकाने आ जाएगा। हा। जब धन भूत ब्राह्मण का रूप धर मछियारे के निकट पहुंचा तो मछियारा उसे जय जय राम जी की कहकर विनम्र स्वर में बोला, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं वह भी इतने सवेरे सवेरे? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताए। भाई का मैं एक यजमान के पास जा रहा हूं, तुम अपना कार्य करो। लेकिन मच्छियारा अपना हाथ दिखाने का लोभ स्मरण नहीं कर पाया। महाराज यदि आप बुरा न माने तो मेरे हाथ की रेखाओं के बारे में मैं भी बताते जाए, बहुत संकट में दिन गुजर रहे हैं। फिर मच्छियारे का हाथ देखता हुआ धन भूत विचारपूर्ण स्वर में बोला, भाई मेरी ज्योतिष विद्या कहती है आज तुम्हारे पास बहुत सारा रुपया पैसा होना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि अब भी तुम मछली पकड़ने का काम क्यों कर रहे हो। कि क्या बहुत सारा रुपया पैसा? ये आप क्या कह रहे महाराज, मुझ गरीब मछियारे के पास भला ढेर सारा रुपया पैसा कहाँ से आएगा? कई दिनों से तो फाके तक करने पड़ रहे थे। कल भाग्य ने एक बड़ी मछली दे दी जिससे भरपेट भोजन नसीब हुआ। लेकिन भाई मेरी ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा ठहरो, पहले यह बताओ कि कल क्या कल तुम्हें किसी भिखारी ने हीरो का हार दिया था? दिया तो था महाराज, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि वह हीरो का ही हार होगा। भला एक भिखारी के पास हीरो का हार कहाँ से आ सकता है? यदि वैसली था तो फिर थोड़े से भोजन के लिए वह हार मुझे क्यों दे गया? मच्छर की बात सुनकर धन का भूत क्रोधित तो उठा। मूर्ख मछियारे, वह वास्तव में हीरो का बहुमूल्य हार था। क्या किया तुमने उसका? उसे तो एक चील ले उड़ी, कहकर मछियारा उसे कोसने लगा। फिर मछियारे ने उसे सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुन धन के भूत ने अपना माथा पीट लिया। अरे महाराज आप भी किस हेर फेर में पड़ गए? उस नकली हार की बात छोड़िए और कृपया हाथ देकर मेरे भविष्य के बारे में बताइए। क्या खाक बताऊं, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो मछियारे। यदि तुम उस हार को ले जाकर किसी व्यापारी के हाथ बेच देते तो तुम्हें इतना धन प्राप्त होता कि राजा जैसी जिंदगी व्यतीत करते। महाराज अब जो हो गया सो हो गया, हमारा भाग्य ही खराब है तो क्या हो सकता है? अगर भाग्य में होता तो जरूर आज मैं राजा जैसा जीवन व्यतीत कर रहा होता। भाग्य बहुत बलवान और बड़ा है, उससे किसी का क्या मुकाबला।
मत्स्यार के मुंह से भाग्य की बड़ाई सुन धनभूत खिसिया उठा। अरे भाई, तुम तो वास्तव में ही मूर्ख हो। अगर तुम्हारे पास धन हो तो भाग्य तो अपने आप अच्छा हो जाता है, भला इसमें भाग्य क्या सहायता कर सकता है। ब्राह्मण की बात सुन मत्स्यारा कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसे ब्राह्मण की बात उचित लगी तो वह उदास स्वर में बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, मैं वास्तव में ही मूर्ख हूँ जो भाग्य को अब तक तो बड़ा समझ बैठा था। भाग्य चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि धन पास रहे तो वह भी उसका गुलाम बनकर रहता है। वास्तव में धन ही भाग्य से बड़ा है। मच्छियार को अपनी बात मानते देख धन का भूत प्रसन्न उठा। शाबाश, सब किया तुमने अकल की बात। सुनो, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि तुम जल्दी एक लाल कहीं पड़ा मिलेगा। यदि मिले तो उसे अच्छे दामों पर किसी व्यापारी के हाथों बेच देना। फिर तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं, कभी नहीं पड़ेगी, समझे। अब तुम मुझे जरा पानी पिलाओ। अच्छा, मच्छियारा लोटा निकाल नदी से पानी भरने लगा। धनभूत ने मौका देख एक लाल अपनी अंटी से धरती पर गिरा दिया। मच्छियारे ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर कुछ विशेष बात बताने के पश्चात धनभूत दिखावे के लिए गांव की ओर बढ़ गया। कितने पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, सारा हाल बता दिया। कुछ आगे जाकर धनभूत अदृश्य हो गया। मच्छियारा फिर अपने जाल की ओर आकर्षित हुआ, परंतु जब काफी देर तक जाल में कोई मछली नहीं फंसी तो वह उकताकर अपने आसपास दृष्टि दौड़ाने लगा। शीघ्र उसकी एक दृष्टि निकट पड़ी, चमक रही एक वस्तु पर पड़ी। अरे वह क्या है? उसने लपक कर उसे उठा लिया। ब्राह्मण देवता ने कहा था कि जल्दी मुझे कहीं कोई लाल पड़ा मिलेगा, शायद यह लाल ही है। फिर लाल को अपनी धोती की लांग में रखकर मछियारा प्रसन्नता से झटपट अपना जाल नदी से बाहर खींचने लगा। अब मछली पकड़ने में समय क्यों बर्बाद करूं, लाल को बेचकर तो मैं गांव का सबसे बड़ा धनवान बन ही जाऊंगा। तभी उसे लगा कि जाल भारी है। अरे जाल तो भारी है, शायद फिर कोई मोटी मछली फंसी है। आज का दिन कितना शुभ है, सुबह सुबह ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए, फिर लाल मिला और अब शायद ढेर सारी मछलियां। तभी उसे एक जोरदार झटका लगा और वह हवा में उछल गया। अरे बाप रे, और फिर छपाक से नदी में जा गिरा। जाल की रस्सी भी उसके हाथों से छूट गई थी। अरे अरे मेरा जाल, उफ, शायद मछली उसे भी साथ लिए जा रही है। जाल में शायद बहुत ही भारी मछली फंसी थी जो जाल को पानी के भीतर लेती चली गई। बिलखता हुआ जब वह किनारे पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि लाल धोती की लांग में नहीं है। हाय मेरा लाल, में लुट गया, बर्बाद हो गया, जाल भी गया और लाल भी। रोता पीटता मछियारा अपने घर पहुंचा। सारी कहानी सुनकर घर में भी रोना धोना मच गया। हाय हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए लल्लू की माँ, अब तो मछली पकड़ने के लिए जाल भी नहीं रहा। और उस दिन उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला। उधर जंगल में रात के समय भोजन के दौरान फिर दोनों भूतों की आपस में बातचीत हुई। आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो धन भाई, कल देखना भाग्य भाई, वह मच्छेरा कल मछली पकड़ने नहीं आएगा क्योंकि मेरे कारण वह गांव का सबसे बड़ा धनवान बन चुका होगा और भाग्य के सारे जीने की उसे कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। हा। तब भाग्य का भूत मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ भाई यह बात तो मैं भी जानता हूँ कि कल कल से मच्छेरा मछली पकड़ने नदी पर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे कारण नहीं बल्कि मेरे कारण, क्योंकि आज मैंने उसका कतई साथ नहीं दिया, इसलिए वे आज बहुत दुखी है तथा रो धो रहे हैं। यह गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो। विश्वास नहीं हो तो कल उसे घर जाकर देख लेना, अवश्य जरूर देखूंगा। यदि तुम्हारी बात सच साबित न हुई तो तुम्हें हार माननी पड़ेगी, मुझे स्वीकार है। अगले दिन धन का भूत अकेला उस मच्छियारे के घर पहुंचा। मच्छियारे के घर अभी भी रोना धोना मचा हुआ था। हाय हम लुट गए, जाल भी गया और लाल भी, अब जीवन निर्वाह कैसे होगा, कैसे भरेगा मेरे बच्चों का पेट। ओह भाग्य ने ठीक ही कहा था। उदास हो धनभूत वापस जंगल लौट आया। क्यों भाई, अब तो तुम मान गए ना कि मैं तुमसे बड़ा हूं। अभी नहीं भाई, यह ठीक है कि मैं अपना बड़पन सिद्ध करने में असफल रहा, परंतु तुम्हारा बड़पन जताना अभी शेष है। अच्छा तो फिर कल देखना मेरा मेरा चमत्कार। चलो अब कुछ खाने पीने का प्रबंध करते हैं। ठीक है चलो। फिर दोनों अपने भोजन के प्रबंध में जुट गए। दूसरे दिन सुबह, क्यों भाग्य भाई अपना चमत्कार दिखाने नहीं ले जाओगे क्या?
जरूर भाई, लेकिन वहां जाने के लिए हमें वेश बदलना होगा। चलो ब्राह्मण का वेश धारण कर ले। ठीक है, दोनों ब्राह्मण का वेश धारण कर नदी के दूसरी ओर पहुंचे। जाओ ने तट पर मछियारा नहीं दिखा दिया। देखा धन भाई, मेरे कारण ही मछियारा आज भी नहीं आया, क्योंकि न उसके पास जाल है और न धन। तुम ठीक कहते हो भाग्य, आओ उसके घर चले। दोनों गांव में प्रविष्ट हुए। कुछ देर बाद जब वे मछियारे की झोपड़ी के निकट पहुंचे तो उन्हें अपने आगे ही एक व्यक्ति झोपड़ी में प्रविष्ट होता दिखाई दिया। वह देखो धन भाई, जो व्यक्ति भीतर जा रहा है न, उसी से मेरा चमत्कार आरंभ होगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। जो व्यक्ति मछियारे की झोपड़ी में प्रविष्ट हुआ था, उसे किसी समय मछियारे ने उधार में एक छोटी मछली दी थी। आज मछियारे के बुरे वक्त में वह उसकी कीमत चुकाने आया था। इस बुरे समय में मैं तुम्हारी कुछ अधिक मदद तो नहीं कर सकता भाई। हाँ, काफी समय पहले जो एक छोटी मछली उधार में तुमसे ली थी, उसकी कीमत यह 4 पैसे रख लो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं। जब वह व्यक्ति झोपड़ी से निकलकर कुछ दूर बढ़ गया तो बाहर दरवाजे की ओट में खड़ा भाग गया धन से बोला, सुन लिया ना धन भाई, न जाने कब के उधार के पैसे आज मेरे कारण ही मछियारे को मिल गए। आओ अब भीतर चलते हैं। दोनों झोपड़ी के भीतर प्रविष्ट हुए। मछियारे ने जब दो ब्राह्मणों को भीतर आते देखा तो आंसू पोंछ आदर भाव से उदास स्वर में बोला, प्रणाम महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी भाग्य भूतने का, भाई हमें भूख बहुत भूख लगी है, यदि तुम थोड़ा भोजन करा सको तो बहुत उपकार होगा। लेकिन भाई क्या बात है, तुम कुछ उदास से नजर आते हो, सब खैरियत तो है ना। खैरियत का महाराज, मैं तो तवार बर्बाद हो गया, लगता है भाग्य में सिवाय दुख दर्द के कुछ नहीं। फिर सारी आप बीती सुनाने के पश्चात मछिया दुखी स्वर में बोला, और महाराज जो थोड़े बहुत पैसे पास थे वह भी इन 2 दिनों में समाप्त हो गए। कल केवल इन 4 पैसों के, जो अभी भी एक भला आदमी देकर गया है, मेरे पास और कुछ भी नहीं। अब आप ही बताएं मैं कैसे आपको भोजन कराऊं, इन 4 पैसों से भला क्या होगा। और तब तुम हमारे लिए दुखी न हो भाई। हाँ, तुम यह मत समझो कि इन 4 पैसों का कुछ नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा काम मानोगे तो ये 4 पैसे ही तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। वह कैसे महाराज? सुनो, इन 4 पैसों से तुम 2 पैसों का आटा खरीदना और 2 पैसों से मछली। बाजार जाकर ऐसी मछली खरीदना जिसे कोई नहीं ले रहा हो, चाहे वह सड़ी गली हो ही क्यों न हो। दोनों वस्तुएं लेकर घर आ जाना, बाकी बात मैं बताऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं यही करता हूँ। जब 4 पैसे लेकर मछियारा बाजार चला गया तो भाग्य मछियारे की पत्नी से बोला, सुनो मछियारे, पता नहीं मछियारा कितनी देर में लौटेगा, अतः जरा हमें के यजमान के यहाँ हो आते हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। बहुत अच्छा महाराज। उसके बाद भाग्य धन को लेकर वहां से चल दिया। दोनों भूत झोपड़ी से बाहर निकलकर एक तरफ चल पड़े। तब धन का भूत आश्चर्य से बोला, भाई तुम्हारा चमत्कार तो मेरे पल्ले जरा भी नहीं पड़ा, भला मछियारे को बाजार बेचकर इस प्रकार वहां से चले आने की क्या तुक थी। जब मछियारा लौटेगा तब सब समझ जाओगे, आओ तब तक कुछ जरा घूम फिर आए, वैसे मेरा काम तो पूरा हो चुका है। और मछियारे ने बाजार में पहुंचकर एक दुकानदार से 2 पैसे का आटा खरीदा। फिर वह मछली बाजार में पहुंचा, लेकिन सारा मछली बाजार घूमने पर भी उसे कोई ऐसा मछली वाला नहीं दिखाई दिया जिसे कोई मुफ्त में भी मछली न ले रहा हो। पता नहीं कहाँ मिलेगी ऐसी मछली जिसे कोई न ले रहा हो। आखिरकार इसी प्रकार घूमते घूमते उसे एक बूढ़ा मछली वाला दिखाई दिया, जो एक सड़ी गली मछली एक कोने में बैठा बेच रहा था। साध ब्राह्मण देवता के अनुसार वैसी मछली उससे मिल जाए, लेकिन पहले देख लेना चाहिए कि कोई उससे वह मछली खरीदता है या नहीं। वह बूढ़ा मछेरा आते जाते जाते लोगों की मिन्नतें कर रहा था, ले जाओ भाई इस मछली के जो भी दाम दोगे मैं ले लूंगा। अरे भाई, यह मछली तो हमें मुफ्त में भी नहीं चाहिए, भला इस सड़ी गली मछली को खाकर कोई मरेगा क्या? वास्तव में उसे कोई भी नहीं ले रहा। काफी इंतजार करने के पश्चात भी जब मछियारे ने यह देखा कि उसे किसी ने नहीं खरीदा तो वह उस बूढ़े मछेरे के निकट पहुंचा। क्यों बाबा, तुम मुझे बेचोगे क्या यह मछली? अरे भाई, अभी तक तो किसी ने खरीदी नहीं, भला तुम भी सड़ी गली मछली को क्यों खरीदोगे? लो मुफ्त में ले जाओ। मुफ्त में नहीं, मैं इसके 2 पैसे दूंगा।
अरे तो भाई निकालो दो दो पैसे और संभालो इसे, पूरा दिन निकल गया इसे बेचने में, लेकिन किसी ने मुफ्त में भी नहीं ली। दो पैसे में वैसड़ी गली मछली खरीद, मछियारा घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं ब्राह्मण देवता इस 2 पैसे के आटे और 2 पैसे की इस मछली से क्या करेंगे। जब वह घर पहुंचा तो दोनों ब्राह्मणों को वाना पाकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। अरे लल्लू की माँ, दोनों ब्राह्मण देवता कहाँ गए? कहकर तो थोड़ी देर के लिए गए थे लेकिन लौटे अभी तक नहीं। जब काफी देर गए तक भी दोनों ब्राह्मण नहीं आए तो मच्छियारा उदास उठा। उनका और इंतजार करना व्यर्थ है, लगता है वे अब लौट कर नहीं आएंगे। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, तुम ऐसा करो इस सड़ी मछली को काट कर सब्जी बना लो, तब तक मैं इस आटे को गूंथे देता हूँ। पत्नी मछली को काटने बैठ गई और मच्छियारा आटा गूंथने लगा, लेकिन अभी आटा पूरी तरह से गूंथ भी नहीं पाया था कि तभी उसे पत्नी की आश्चर्य भरी आवाज सुनाई दी। अजी सुनते हो, यह देखो मछली के पेट से कैसा चमकदार पत्थर निकला है। मच्छियारे ने तुरंत लपक कर वह चमकदार पत्थर पत्नी के हाथ से ले लिया। फिर लाल को पहचान वह प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, अरे भगवान, यह पत्थर नहीं बल्कि वही लाल है जो मुझे नदी किनारे मिला था। अच्छा अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से रोटियां सेक, भागस साथ दे रहा, खाना खाकर मैं इस लाल को बाजार में बेचने जाऊंगा। देखना इतने ढेर सारे रुपए मिलेंगे कि फिर कभी हमें मछलियों के भरोसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अभी लो स्वामी। पत्नी प्रसन्नता से जल्दी जल्दी खाना पकाने में जुट गई। जब सड़ी मछली की तरकारी और रोटियां सिक गई तो उसने बाहर धूप में मच्छियारे को रोटियां परोस दी। लो जी, केवल तुम्हारे लायक खाना बनाए, अब जल्दी से खाकर वह लाल बेच आओ, हम आज बढ़िया भोजन तैयार करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर मच्छियारे ने रोटी उठाने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाई था कि तभी एक चील तेजी से रोटियों पर झपटी। अरे अरे हुस, फिर उसके शोर मचाने के बावजूद भी वह रोटियां पंजे में दाबे आकाश में उड़ गई। क्या हुआ? हे भगवान, ये वह चील भी मेरे प्राणों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। पहले हार ले उड़ी थी, अब रोटियां, अब तो भूखे बाजार जाना पड़ेगा। झुंझलाए मच्छियारे ने फिर बिना भोजन किए ही उठना चाह, तभी उसकी दृष्टि थाल के निकट पड़े चमकते एक हार पर पड़ी। अरे ओ वह क्या? मच्छियारे ने हार को उठाया और फिर वह उसे देखते ही पहचान गया। अरे भगवान, शायद हमारे सोए भाग्य जाग उठे हैं। यह वही हीरो का हार है जो भिखारी ने मुझे दिया था। शायद यही चील से नदी किनारे से ले उड़ी थी, लेकिन आज भाग्य से कुछ सूखी रोटियों के बदले वह हमें पुनः वापस दे गई। कोई वस्तुएं पुनः वापस मिलने से दोनों अति प्रसन्न हुए। अजय सोचते क्या, जल्दी जाइए और शहर में इन्हें अच्छे दामों में पर बेचाइए। अच्छा तो फिर मैं चलता हूं। मच्छियारा जल्दी जल्दी गांव से निकलकर शहर में पहुंचा और दोनों वस्तुओं को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। लो भाई, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने हार और लाल की कीमत। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, ओह अब तो जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मछियारा खुशी खुशी घर लौटा। देखो भगवान, क्या तुमने सपने में भी कभी इतना धन देखा है? नहीं सचमुच, अब हम अपने गांव के सबसे बड़े धनवान हैं। अब हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। यह सब भाग्य की मेहरबानी है मेरी रानी। बिना भाग्य के इतना ढेर सारा धन भला में कहां से मिलने वाला था। नहीं स्वामी, स्वामी मैं आपकी बात से सहमत नहीं। यदि यह ढेर सारा धन नहीं होता तो भाग्य से भला क्या होता? बिना धन के तो भाग्य भी बेकार है। यदि यह धन नहीं होता तो आज फिर आपको भाग्य के सारे ही मछली पकड़ने की सोचनी पड़ती। इसी तरह बिना भाग्य के धन भी बेकार है, क्योंकि पहले भाग्य के साथ न देने के कारण ही आप दोनों अमूल्य वस्तुओं को मुफ्त में मिलने के बाद भी खो चुके थे। अतः मैं तो यही कहूंगी कि न तो धन भाग्य से बड़ा है और न भाग्य धन से। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे व बेकार है। अतः दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों ही बराबर है और आपको धनवान बनाने में इन दोनों का बराबर का ही हिस्सा है। वह तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रिय, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और उन दोनों की बातें सुन रहे थे झोपड़ी के बाहर खड़े धन और भाग्य के भूत। सुन लिया भाग्य भाई, हम दोनों बराबर हैं। क्या इनका फैसला तुम्हें मंजूर है? मंजूर है धन भाई, क्योंकि इनका कहना ठीक ही है।
यदि मैं अकेला होता तो इन्हें केवल भाग्य ही दे सकता था, धन नहीं। वह यदि तुम अकेले होते तो इन्हें केवल धन ही दे सकते थे, भाग्य नहीं। जबकि हम दोनों ने मिलकर इन्हें भाग्य भी दिया वो धन भी, जिससे आज ये धनवान बन गए। अतः हम दोनों ही बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं। फैसला हो गया, चलो अब लौट चले और अपने भोजन का प्रबंध करें। ठीक कहते हो भाग्य भाई, चलो। और दोनों जंगल वापस लौट आए। उसके बाद फिर उन दोनों में कभी वाद विवाद नहीं हुआ। वो दोनों पहले के समान आनंद पूर्वक रहने लगे। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।